देखो बेटा, लास्ट आपा टॉपिक शुरू किया सी यूनिट नंबर 3 द सेकंड पार्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, जिदे विच असी मैग्नेट दे बारे बेटा गल कीती सी, है ना। थोरली असी मैग्नेट की है, उसके अंदर कितने पोल्स है, एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए सी। और फिर जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट किस तरह करनी है, वो बारे भी डिस्कस किया सी। फिर आप डिस्कस किया सी कि जो मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है पर्टिकुलरली, उसकी जिहड़ी पोल स्ट्रेंथ है, उहदा बार मैग्नेट दे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाल किस तरह रिलेशन है ना, वो सारा पॉइंट्स तुसी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज बेटा गल देखो, उसे गल में ही एक्सटेंड करना आज भी, कि जेड़ा थोड़ा मैग्नेट है ना, वो दे अंदर हमेशा दो पोल्स होंगे है, ये गल आपां नूं पता वा। पर नाल असी इहदी एक्सेप्शंस भी याद कीतियां सी, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अगर सानूं कोई पुछे कि बिना पोल वाला मैग्नेट हो सकता, तो असी कहांगे यस। कौन है? तो उहदी एग्जांपल असी बोल सकते हैं ट्रॉयड, ते दूसरा सी आइडियल सोलेनॉइड। उहनूं असी मैग्नेट विदाउट पोल मान सकते हैं ना, क्योंकि वो भी दोनों सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो ट्रॉयड सर्कुलर शेप होने करके कोई एंड्स नहीं है, ते दूजे पासे जो लॉन्ग सोलिनॉइड है ना, आइडियल सोलिनॉइड है, उदी दोनों एंड्स इनफिनिटी दे होने करके भी उदे जिहड़े पोल्स है वो जीरो दे बराबर है, ना होने दे बराबर है ना। तो इस करके आपां कहा सीगा कि जो आइडियल सोलेनॉइड है या ट्रॉयड है, उन्हों असी मान सकते हैं भी मैग्नेट विदाउट पोल, वो एग्जांपल असी कोट कर सकते हैं। हुण बेटा जदों असी हुण गल करनी है अज कि क्या मैग्नेट दे अंदर सिंगल पोल हो सकता वा, मोनोपोल मैग्नेट कदी भी नहीं, नेवर, एक कदी भी नहीं होएगा, मोनोपोल कदी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस गल नू बेटा अगर असी मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना वा, तो उदे लिए साडे सामने एक लॉ है जिसनों तुसी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दे नाम नाल असी जानना वा। हुण थानू इस स्टेट मतलब हैडिंग नू पढ़ के कुछ आइडिया होएगा कि फर्स्ट यूनिट दे विच है ना आपां गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी बारे डिस्कस कीता सी। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी जो आपां टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह लिखते हैं ना आप, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इहदे विच बेटा जिहड़ी लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, इसनों तुसी किस तरह रीड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड टर्म नूं तुसी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, या बेटा लेफ्ट हैंड साइड नूं तुसी कह सकते हैं सरफेस इंटैग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस दे नाल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू, और वो तुसी देख रहे हो हमेशा किहदे बराबर होंदी है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। हुण उहदा कारण ही है बेटा एक्चुअली कि जिहड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट है ना, उहदे च दो तरह दे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस।
और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿਊ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ 'ਚ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੈਟ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲਸ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ E ਡਾਟ DA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B ਡਾਟ DA ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਓਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਾਰਜਿਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੌਜ਼ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗੌਜ਼ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੌਜ਼ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਿ ਗੌਜ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕਰਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਵਾਪਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕਰਵ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕਰਵ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕਰਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਤੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟ, ਬਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟ ਉਹ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ,
पॉजिटिव तो नेगेटिव वाली ही जानी चाहिए, इस करके वो डिसकॉन्टिन्यूस कर्व सी और एक कॉन्टिन्यूस कर्व है ना, एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा तुम्हें याद होएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना पुत्र, वो मेटल दे अंदर एग्जिस्ट नहीं सी करती, जिस कारण करके मेटल दे अंदर क्यों क्यों नहीं सी करती, क्योंकि मेटल दे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो होता है ना, ये याद है तुम्हें। उसी तरह नाल देखो जो असी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की गल करते हैं ना, अगर सानू कोई पूछे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबस्टांस के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वह आंसर करने तो पहला थानू याद आना चाहिए कि असी ब्रॉडली ना मैग्नेटिक बिहेवियर के बिहाफ से असी किसी भी सबस्टांस को तीन कैटागरी च वंडिया होया, पैरा फैरो एंड डाया। तो ये याद रखो बेटा, जो पैरा और फैरो है तो इन्हां विच तां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करना प्रेफर कर दिया, ते डाया च प्रेफर नहीं कर दिया पास करना, ठीक है। ते जेडे आइडियल डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस है, तो आइडियल डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस दे अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जी है एग्जिस्ट नहीं करती, जो परफेक्ट डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस है। बट याद ये रखना कि पैरा और फैरो इन्हों दोनों च मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करना प्रेफर कर दिया इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, ते जबकि डाया दे विच वो प्रेफर नहीं कर दिया ना। ये पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, नोट्स चो पढ़ के तुसी इजीली याद रख सकते हैं और रखने चाहिए भी है। नाउ हुण बेटा अगला पॉइंट जिहड़ा सी, असी डिस्कशन स्टार्ट कीती सी कि जिहड़ियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो एक फर्क होर भी है कि जिदा आप कह दें ना कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, आउटर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस है ना। तो उसी तरह नाल जो असं इतने गल करते हैं बेटा कि जो मैगनेट है, तो मैगनेट के सरफेस से मैगनेटिक फील्ड लाइन किसी भी एंगल से इंसीडेंट भी हो सकती है, तो इमरज आउट भी कर सकती है। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुसी याद रख सकते हो। नाउ हुण जदों असीं गल करदे हां मैगनेट दे, तो मैगनेट दे बारे, मैगनेट हमेशा जिहड़ा वा वो डाईपोल है, वो अंदर दो पोल्स होंदे है, पर नाल ही आपां गल कीती सी कि जिहड़ा मैगनेट है वो बिना पोल वाला, अगर सानूं कोई पुछे तां असीं कहांगे यस टोरॉयड्स आइडियल सोलेनाइड। पर तीसरी गल बेटा जिहड़ी है कि कई बार ड्यू टू फॉल्टी मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है ना, किसी कारण करके कई बार, मतलब बहुत रेयरली होता कि जेड़ा मैग्नेट विद थ्री पोल्स भी एग्जिस्ट कर सकता। तो मैग्नेट विद थ्री पोल्स का मतलब की है बेटा, तो ध्यान दियो कि एक्चुअली कि अगर आ नॉर्थ पोल है और आ नॉर्थ है और आ साउथ हो जाएगा, तो प्लस क्यू एम माइनस टू क्यू एम। कई बार फॉल्टी मैग्नेटाइजेशन करके ना जो मैग्नेट है उसके अंदर तीन पोल्स एग्जिस्ट करेंगे बट वो खत्म हो जाएंगे जल्दी इजीली, तो मेनली तो डायपोल और बिना पोल वाला मैग्नेट जड़ा वा वो अपन को याद रखना पड़ेगा। हुण बेटा ये तो पॉइंट्स है जेडे कि असी मैग्नेट के बारे समझ लए हैं, पर हुण इहदे नाल जिहड़ा अगला पोर्शन है पुत्र, तो इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट क्लियर है ना बेटा? तो हुण देखो इस तो अगला जिहड़ा पॉइंट है ना पुत्र, उहनूं समझण दे लई फिर गल कुछ भी नहीं है, सिंपल पॉइंट ही है, कोई एडी वड्डी गल नहीं है। वो है कि थानू वापिस यूनिट वन ते पहुंचना पड़ेगा है ना, एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी और ये पोर्शन भी कवर हो जाता वा, ये दोनों काम तुसी नाल साइमल्टेनियसली कर लेने हैं, बस ख्याल की रखना, बड़ा इजी प्रोसेस है, मैं दसन लगा स्टेप्स थानू। देखो आपां जिहड़ा पहला पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी नू बिलोंग करदा सी, ये वाला पोर्शन मैग्नेटिज्म नू बिलोंग कर रहा है ना, देखण नू ये अलग लग रहा बट कंपैरेटिव स्टडी नाल सारा काम ईजी हो जाएगा। कितना ईजी हो जाएगा कि उस पोर्शन दे विच दो तरह के चार्जेस सी, प्लस क्यू माइनस क्यू, इत्थे दो तरह के पोल्स है जिन्हां दी पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू एम एंड माइनस क्यू एम है,
क्यूएम का मतलब पोल स्ट्रेंथ है ना, किसी भी पोल दी, नॉर्थ पोल दी या साउथ पोल दी अट्रैक्टिंग पावर नू रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रेंथ नू पोल स्ट्रेंथ कहने हैं। और जेड़ा नॉर्थ पोल है उन्हें असी कन्वेंशनली पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं ते साउथ पोल नू नेगेटिव साइन, मतलब ये मान के चलते हैं कि मैग्नेटिज्म दे विच नॉर्थ पोल वही रोल प्ले करता जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी करता और साउथ पोल वही रोल प्ले करता जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी करता ना, वो कंपैरेटिव। हुण वो तो थानू याद होएगा देखो कि जदों तुसी मैग्नेटिक कंसेप्ट नू समझ रहे हैं, अपन जरा कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो तुसी इत्थे देख रहे हैं कि अगर मैं थोड़े सामने इत्थे एक क्यू चार्ज शो करा और अगर ये क्यू मेरे लिए सोर्स चार्ज है, तो तुसी इस चार्ज तो अगर डिस्टेंस आर ते इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्केयर है ना, फाइंड आउट आपा किता होया ना फर्स्ट यूनिट च। हुण गल नू समझो भी जे इत्थे सोर्स चार्ज है क्यू तो उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्केयर है, तो इत्थे बेटा अगर थोड़े को सोर्स पोल है क्यू एम, हम क्यू एम इतने की है पोल स्ट्रेंथ, और अगर इस पोल तो डिस्टेंस आर ते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सिंपली पता की करना तुसी पुत्र, जो इलेक्ट्रिसिटी के रिजल्ट्स है उस क्यू नू क्यू की जगह पे क्यू एम ठीक है, ते एप्साइलन नॉट की जगह पे 1/μ0 क्योंकि दोनों उल्ट होंगे अब ठीक है, तो इस कारण करके तुसी ये इतने लिख सकते हैं 1/4 पाई क्यू एम बाय आर स्केयर, और इतने एप्साइलन नॉट, इतने एप्साइलन नॉट की जगह पे 1/μ0 है ना, तुसी जदों भी क्यू नू क्यू एम नाल या क्यू एम नू क्यू नाल और एप्साइलन नॉट नू तो ए ऊपर चला जाएगा ठीक है, ए कर सकते। हुण इत्थे तक पहुंचने के लिए सानू केड़े स्टेप्स नू असीं की फॉलो कीता है, एक्चुअली देखो बेटा थानू याद होएगा तुसी ना कूलम्स लॉ बारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कि अगर थोड़े सामने दो पॉइंट चार्जेस है क्यू क्यू और उन्हां च डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर इतना लिख दे सी गए। हुण सेम पैटर्न इतने आया ना कि अगर थोड़े सामने दो पोल्स है, एक दी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम वन है दूजे दी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम टू है और दोनों दे विच डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक फोर्स 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की जगह की लिख देना 1/μ0 वो ऊपर आ जाना ना, ते क्यू एम वन क्यू एम टू बाय आर स्केयर बन जाना, एक कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है। और जितना आप कहने हैं ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड करती है, कादे ते करती है नेचर ऑफ मीडियम पे, उतना ही मैग्नेटिक फोर्स भी नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। अच्छा जितना आप कहने हैं ना कि डिफरेंट मीडियम दी परमिटिविटी दी वैल्यू आप डिफरेंट होंगी है, और वैक्यूम लिए एप्साइलन नॉट सिंबल है बाकी लिए एप्साइलन यूज करते हैं, इदा ही इतने है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी दी वैल्यू भी डिफरेंट मीडिया लिए डिफरेंट है, तो वैक्यूम दे लिए म्यू नॉट है बाकी सब लिए म्यू है। अच्छा फिर आप कहते हैं ना कि जो कोई भी मीडियम है उसकी जिहड़ी मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उसकी जगह पे आप रिलेटिव परमिटिविटी भी एप्साइलन आर भी यूज कर सकते हैं, तो इतने मैग्नेटिक परमेबिलिटी जी है ना उसकी जगह पे रिलेटिव परमेबिलिटी यूज हो सकती है म्यू आर, तो जिदा म्यू आर का संबंध एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट है, तो आ परमिटिविटी है आ वैक्यूम की परमिटिविटी है और आ रिलेटिव परमिटिविटी है, उदा ही इतने अब
ए परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, ए परमेबिलिटी ऑफ गिवन मीडियम है, ए परमे रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ गिवन मीडियम है ना, तो ये आपस के रिलेशन है। और म्यू या म्यू आर दी वैल्यू डिफरेंट मीडिया लिए डिफरेंट है, तो वैक्यूम दे लिए 1 है, बाकी सारे लिए डिफरेंट है, पर थोड़ा फर्क ये है पुत्र कि एप्साइलन आर दी वैल्यू जड़ी है वो एप्साइलन सॉरी जो एप्साइलन दी वैल्यू है किसी भी मीडियम दी वैक्यूम दी एप्साइलन नॉट नालों लेस देन नहीं हो सकती, इस करके एप्साइलन आर दी वैल्यू जड़ी है वो लेस देन 1 नहीं हो सकती। बट अपन देखेंगे कि जड़ी रिलेटिव परमेबिलिटी है ना म्यू आर दी वैल्यू वो डायमैग्नेटिकली की होती है लेस देन 1, पैरा और फेरोले की होती है ग्रेटर देन 1, तो ये फर्क है थोड़ा जहा ना, बट अदरवाइज मतलब बिल्कुल पैरेलल कंसेप्ट है। अच्छा हुण पुत्र हाँ जिस तरह इतने तुम्हें याद होएगा कि अगर थोड़ा सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो पी पॉइंट से पैदा होने वाली इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर नु शो करनी है तुसी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है ना, वो कंसेप्ट पढ़िया हुआ, तो इतने क्योंकि उतने पॉजिटिव चार्ज है इतने नॉर्थ पोल है, तो अगर सोर्स चार्ज की जगह सोर्स पोल आ जाए और पॉजिटिव की जगह नॉर्थ पोल आ जाए तो फिर पी पॉइंट पे जड़ी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल हो जाएगी, बिल्कुल सेम पैटर्न। अच्छा तो जे थोड़ा सोर्स चार्ज इतने नेगेटिव होए तो पी पॉइंट पे जड़ी इंटेंसिटी पैदा हो रही है सोर्स चार्ज करके वो दी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज होती है, इहदा मतलब जे इतने नॉर्थ की जगह साउथ आ जाए तो फिर पी पॉइंट पे साउथ पोल करके पैदा होने वाली इंटेंसिटी की डायरेक्शन की होएगी टुवर्ड्स द साउथ पोल है ना, तो वो बिल्कुल सेम पैटर्न है याद रखा जा सकता। नाउ हुण बेटा एक गल होर जिहड़ी कंपैरेटिव स्टडी करदे आं आपां कि जदों तुसीं गल करदे आ भी तुहानूं याद होएगा कि इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ने इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नूं कितना डिफाइन कीता सी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ते लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो लिखा सी ना, तो सेम इथे आ जाएगा, इथे की आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक है ना, तो आ सेगा टेस्ट चार्ज तो इथे टेस्ट पोल आ जाएगा और टेस्ट पोल दी पोल स्ट्रेंथ आपा क्यू एम नॉट लिख सकते हैं ना, नॉट मीन्स नॉट द सिंबल असी टेस्ट नाल जोड़ता ते बिना नॉट वाला सोर्स नाल जोड़ता ना उस करके लिमिट क्यू एम नॉट अप्रोचेस टू जीरो, वही सेम पैटर्न। अच्छा हुण तुसी देख ही रहे हैं पुत्र क्योंकि ये काम जिहड़ा तुसी अप्लाई करना ना अपने आप अप्लाई करना उहदा मैं दस्सन लिया कि तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा कि जो इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच प्लस क्यू है उत्थे प्लस क्यू एम आ जाना मैगनेटिज्म च, जिथे माइनस क्यू है उत्थे माइनस क्यू एम आ जाना मैगनेटिज्म च है ना, जिथे इंटेंसिटी है उत्थे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई वेक्टर उत्थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर आ जानी है। अच्छा इदां ही पुत्र इलेक्ट्रिक डायपोल दी डायपोल मूवमेंट हुंदी है स्मॉल पी वेक्टर, तो स्मॉल पी वेक्टर दी जगह इत्थे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जानी है कैपिटल एम वेक्टर, और जिथे उत्थे एक्सप्रेशन लिखी है एप्साइलन नॉट तो उत्थे एप्साइलन नॉट नु हटा के की लिख देना 1 बाय म्यू नॉट और म्यू नॉट ऊपर चल जाना ना, तो ये पैटर्न फॉलो करोगे तो तुसी इजीली रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। केड़े रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं बेटा, मतलब ये थोड़ा होमवर्क कह लो रिवीजन कह लो ये अपने आप ही करना तुसी, तो वो मैं दसन लगा थानू, बट उस तो पहला देखो इनू गल नू सुन लो, वो है कि थानू याद होएगा कि तुसी ना ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक च चार आर्टिकल्स किए हुए हैं, किड़े किड़े एक किया सी थानू याद होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और फिर थानू याद होएगा इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर थानू याद होएगा कि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सेम आर्टिकल्स होने चाहिए कि बन जाने हैं, मैग्नेटिक डाइपोल आ जाना है ना, तो सेम आर्टिकल्स है, बस फर्क की पैना उत्तर। वो जिहड़े चार आर्टिकल्स तुसीं ऑलरेडी याद किए हुए हैं उन्हां नूं उदां ही याद कर लेना। बस करना की है भी उन्हां आर्टिकल्स जिथे डायग्राम है या एक्सप्रेशन है, जिथे तुसीं प्लस क्यू लिखिया उत्थे प्लस क्यू एम लिख लेना, जिथे माइनस क्यू लिखिया उत्थे माइनस क्यू एम लिख देना, जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का सिंबल है उत्थे बी का सिंबल कर देना फर्क। जिथे फार्मूला च एप्साइलन नॉट है उन्होंने हटा के उत्थे म्यू नॉट 1/म्यू नॉट पुट कर देना है ना, तो रिप्लेस कर देना। प्लस जेड़े जेड़े फार्मूला च तुसीं से उत्थे पी यूज किया, पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो उत्थे पी नू हटा के कैपिटल एम यूज कर देना, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बस इन्नी गल है। तो सारा कुछ सेम रहना, मतलब जी डायग्राम तो लैके एक्सप्रेशन तक उही चार आर्टिकल तुसी मैग्नेटिज्म च जे एग्जाम च आ जाता यूज कर सकते हैं। बस करना की है कि क्यू प्लस क्यू की जगह प्लस क्यू एम, माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू एम, और ई की जगह कैपिटल ई की जगह बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो अपना स्मॉल पी है उसकी जगह पे कैपिटल एम, जो एप्साइलन नॉट है उन्होंने हटा के 1/ उच्च, थोड़ा जहा ध्यान रखना क्योंकि तो जल्दबाजी ना असि एप्साइलन नॉट हटा के म्यू नॉट लिख देने, उत्थे फर्क है कि एप्साइलन नॉट नो 1/म्यू नॉट नाल रिप्लेस करना, ते जिथे म्यू नॉट है उन्होंने 1/एप्साइलन नॉट नाल रिप्लेस करके उल्ट चलना वा। तो इथे तक बेटा पता होना चाहिए, तो इस पॉइंट तक थानू कोई प्रॉब्लम है।